गुड मॉर्निंग प्रेप क्लास, वेलकम टू केतेश्वर इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल। प्रेप क्लास अपन पढ़ रहे हैं हिंदी। हिंदी में अपना टॉपिक क्या है? आई की मात्रा के शब्द। कल अपन ने क्या किया था? आई की मात्राएं पढ़ी थी। हर व्यंजन पे अपन ने आई की मात्रा लगाई थी। आज अपन पढ़ेंगे आई की मात्रा के शब्द। किसी भी व्यंजन पे डबल मात्रा हो तो वो कौन सी मात्रा होती है? आई की मात्रा होती है। जैसे क लिखा हुआ है, क पे मैंने आई की मात्रा लगाई। ये टू मात्रा है, क के ऊपर जो एक्स की मात्रा है, आई की मात्रा है, तो क पे आई की मात्रा लगी तो क्या बन गया? कई। क्या बन गया? के। आज हमें पूरा एक शब्द बना के पढ़ेंगे। प प्लस आई की मात्रा प्लस र, ये सब अलग अलग है। अब अपन को क्या करना है? इन सबको जोड़कर एक शब्द बनाना है। ये क्या लिखा हुआ है? प, तो क्या लिखूंगी पहले यहाँ पे? प प्लस इसकी मात्रा है, आई की मात्रा, तो प पे क्या लगाऊंगी? ए की मात्रा लगाऊंगी, तो क्या बन गया? पै। क्या बन गया? पै। फिर प्लस क्या है? र, तो यहाँ पे लिखा मैंने र, र के पास कोई मात्रा नहीं है, प पे आई की मात्रा लगी तो पे, और ये र पैर। क्या बना? पैर। क्या बना? पैर। फिर है ब प्लस आई की मात्रा प्लस ल, ये सब अलग अलग है, व्यंजन और मात्रा सब अलग अलग है, इनको जोड़कर क्या बनाएंगे? एक शब्द बनाएंगे। क्या लिखा हुआ है? ब, तो यहाँ पे लिखूंगी मैं ब प्लस इसकी मात्रा है, डबल मात्रा किसकी है? आई की, तो ब पे क्या लगाऊंगी? आई की मात्रा लगाऊंगी, तो क्या बनेगा? बै। क्या बनेगा? बैल। प्लस ये क्या है? ल, तो यहाँ क्या लिखूंगी? ल बैल, बैल। ब का एक ही मात्रा लगी तो बै, और ये ल बैल, बैल। फिर है ब प्लस आई की मात्रा प्लस र, अब इनको जोड़कर क्या बनाएंगे? एक शब्द बनाएंगे। पहले क्या लिखा हुआ है? ब, तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं? ब प्लस इसकी मात्रा है, आई की, तो ब पे आई की मात्रा लगे तो ये क्या बन गया? बै। क्या बन गया? बै। प्लस क्या लिखा हुआ है? र, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने? र, ब पे आई की मात्रा लगी तो बै, और ये र बै, र बै। न प्लस आई की मात्रा प्लस न, क्या लिखा हुआ है पहले? न, तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं? न प्लस किसकी मात्रा है? आई की मात्रा, तो न पे क्या लगूंगी? आई की मात्रा लगूंगी, तो ये क्या बन गया? न। क्या बन गया? न, और यहाँ पे न, 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 न पे आई की मात्रा तो न, और ये न, 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 न। फिर है ठ प्लस आई की मात्रा प्लस ल प्लस आ की मात्रा, अब इनको जोड़कर एक शब्द बनाते हैं। पहले क्या लिखा हुआ था? थ, तो यहाँ क्या लिखूंगी मैं? थ। फिर थ पे प्लस किसकी मात्रा है? ये आई की मात्रा, थ पे मैं आई की मात्रा लगाऊंगी, थ पे आई की मात्रा लगी तो क्या बन गया? थे। क्या बना? थे। प्लस नी क्या लिखा हुआ है? ल, तो यहाँ लिखा मैंने ल। प्लस किसकी मात्रा है? वन लाइन वाली किसकी मात्रा होती है? आ की मात्रा, तो यहाँ पे ल के पास मैंने आ की मात्रा लगा दी, तो ये क्या बन गया? ला। थ पे ए की मात्रा तो थे, और ल के पास आ की मात्रा तो ला, थे ला, थे ला। फिर है ज प्लस ए की मात्रा प्लस स प्लस आ की मात्रा, ये क्या लिखा हुआ है? ज, तो पहले अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? ज प्लस इसकी मात्रा है, आई की मात्रा, तो ज पे आई की मात्रा लगी, ज पे मात्रा लगी तो क्या बन गया? जे। क्या बन गया? जे। प्लस ये क्या लिखा हुआ है? स, तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं? स। फिर प्लस ये किसकी मात्रा है? आ की मात्रा, तो स के पास मैं आ की मात्रा लगाऊंगी, ज पे आई की मात्रा लगी तो क्या बना? जे, और स के पास आ की मात्रा तो सा, जैसा, जैसा। फिर है प प्लस आई की मात्रा प्लस द, और प्लस ये ल, क्या लिखा हुआ है पहले? प
तो यहाँ पे मैं लिखूंगी प प्लस इसकी मात्रा है आई की मात्रा, तो इस पे लगाऊंगी मैं आई की मात्रा, तो प पे आई की मात्रा लगाई तो क्या बन गया प, क्या बना प। प्लस ये क्या लिखा हुआ है द, तो यहाँ पे लिखा मैंने द प द। प्लस क्या लिखा हुआ है ल, तो यहाँ पे लिखा मैंने ल। प पे आई की मात्रा तो क्या बना पे, क्या बना पे। और ये क्या है द ल पे द ल पैदल। फिर है ब प्लस आई की मात्रा प्लस ध और प्लस ग, ये क्या है ब, तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं ब। प्लस किसकी मात्रा है आई की मात्रा, तो ब पे क्या लगाऊंगी ए की मात्रा, तो ये क्या बना बे, क्या बना बे। प्लस ये क्या लिखा हुआ है ठ, तो यहाँ लिखा मैंने ठ। प्लस क्या लिखा हुआ है ग, तो यहाँ लिखा ग। ब पे आई की मात्रा तो क्या बना बे, और ये ठ क बैठक बैठक। ग प्लस आई की मात्रा प्लस भ प्लस ब, अब इनको जोड़ा तो क्या बना ये क्या है ब, तो यहाँ पे क्या लिखा व। प्लस आई की मात्रा है व पे आई की मात्रा लगाई तो क्या बन गया वे, क्या बना वे। प्लस क्या है भ, तो यहाँ लिखा मैंने भ प्लस व। व पे आई की मात्रा तो वे भ व वे भ व वे भ। फिर है म प्लस आई की मात्रा प्लस द प्लस आ की मात्रा प्लस न, अब इनको जोड़ा तो क्या सब बना, पहले क्या लिखा हुआ है म, तो यहाँ क्या लिखूंगी मैं म। प्लस किसकी मात्रा है ए की मात्रा, तो म पे क्या लगाऊंगी ए की मात्रा लगाऊंगी, तो क्या बनेगा मैं। और ये क्या है द, तो यहाँ लिखा मैंने द। प्लस किसकी मात्रा है आ की मात्रा, तो द के पास किसकी मात्रा लगाऊंगी आ की, तो क्या बनेगा दा। प्लस क्या लिखा हुआ है न, तो यहाँ पे लिखा मैंने न। म पे ए की मात्रा तो मे, द के पास आ की मात्रा तो दा, और ये न मैदान मैदान। आई की मात्रा के शब्द है, पहले सब अलग अलग थे व्यंजन और मात्रा, इनको जोड़कर अपन ने क्या किया शब्द बनाया। प पे ए की मात्रा लगी तो पे, और ये र पैर पैर। ब पे आई की मात्रा लगी तो बे, और ये ल बैल बैल। ब पे आई की मात्रा लगी तो बे, और ये र बैर बेर। न पे आई की मात्रा लगी तो ने, और ये न नैन नैन। थ पे आई की मात्रा लगी तो थे, और ल के पास आ की मात्रा लगी तो ला थेला थेला। जब पे ए की मात्रा लगी तो जे, और सर के पास आ की मात्रा लगी तो सा जैसा जैसा। प पे ए की मात्रा लगी तो पैर, और ये द ल पै द ल पैदल। प पे ए की मात्रा लगी तो बे, और ये ठ और ये क बैठ क बैठक। व पे ए की मात्रा लगी तो वे भ व वे भ व वे भ। म पे ए की मात्रा लगी तो मैं, द के पास आ की मात्रा लगी तो दा, और ये न मैदान मैदान। तो ये क्या है आई की मात्रा के शब्द है, पैर बेल बेल नैन थेला जैसा पैदल बैठक वैभव और ये मैदान। तो आपको क्या करना है व्यंजन के ऊपर जैसे क के ऊपर आई की मात्रा लगी है, पहले ये क्या था क था आई की मात्रा लगी, अपने क के साथ कौन सा स्वर बोलना है आई बोलना है। क के साथ अपने ए बोला तो क्या बन गया के, क्या बन गया के। जिस व्यंजन के ऊपर जो मात्रा लगी होती है अपने को वही स्वर वही स्वर साथ में बोलना है। आज का आपका हिंदी में वर्क है, आपको आज की डेट लिखनी है और आज का वार लिखना है, हेडिंग डालनी है आपको आई की मात्रा के शब्द, और ये मैंने 10 शब्द करवाए हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में वर्क करना है। और हिंदी की बुक में आपके पेज नंबर 27 पेज नंबर पे आपको आई की मात्रा के शब्द दे रखे हैं, तो ये आपको क्या करने हैं पढ़ने हैं, या आपको आई की मात्रा के शब्द पढ़ने आ रहे हैं या नहीं। और आज का वर्क है हिंदी में आई की मात्रा के शब्द।